नाम शेख जुबेर पटेल है। अपनी शॉप का नाम है लक्की जूस सेंटर यम्मी पिज्जा, रोशन गेट लक्की जूस सेंटर यम्मी पिज्जा। टेस्ट एकदम बेहतरीन है, बेस्ट टेस्ट दे रहे हैं। आप एक बार आके विजिट करो, एक बार आके टेस्ट करो। अवेलेबल जोमेटो पे भी है, स्विगी पे भी है। लेबर कॉलोनी के 147 लोगों के तरफ से हमने उच्च न्यायालय में एक पिटिशन दाखिल किया है और इसमें हमारी दो तीन प्रकार की अर्जी है कोर्ट को। एक है कि इन्होंने जो हमारे को नोटिस दी है डिमोलिशन की, उसको हमने चैलेंज किया है। डिमोलिशन के नोटिस में कॉरपोरेशन और पीडब्ल्यूडी ने ऐसे कहा है कि ये सारे पिटिशंस, ये सारे जो घर है 30 साल से पुराने होने के कारण ये आज डेंजरस है, ये रहने की परिस्थिति में नहीं है, इसलिए इनको तोड़ दिया जाए। ये करते वक्त कोई भी साइंटिफिक टेस्ट ली गई नहीं थी, कोई भी प्रकार का प्रॉपर स्ट्रक्चरल ऑडिट जो कायदे में ज़रूरी है वो किया नहीं गया था। 2017 में कल्याण डोंबिवली में एक इसी प्रकार की घटना हुई थी, जब वहाँ के जो स्लम एरिया चाल जिसको कहते हैं उसको तोड़ने का प्रकरण बृहन मुंबई कॉरपोरेशन ने किया था। तब हाईकोर्ट में प्रकरण गया था और जस्टिस ओक के डिवीजन बेंच ने बोला था जब तक एक आध स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं होता जिसमें प्रॉपर साइंटिफिक टेस्ट नहीं है, सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन मतलब देखा हुआ इंस्पेक्शन जो है उससे कोई भी घर तोड़ने का निर्णय नहीं ले सकते, वो जजमेंट हमें डायरेक्टली लागू होता है। उस कारण गार्डियन मिनिस्टर जब आए थे, इस नोटिस में लिखा गया था कि 8 तारीख को ही ये सब घर तोड़ दिए जाएंगे, डिमोलिश कर दिए जाएंगे। फिर भी जब इन लोगों का रोष देखा, इन लोगों की पूरी स्थिति देखी जहां ये बेघर होने के सिचुएशन में थे, तब कई पॉलिटिकल पर्संस यहां आए और गार्डियन मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया था और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जब तक हाईकोर्ट का कोई डिसीजन नहीं होता हम कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे और हम हाईकोर्ट के डिसीजन के अधीन रहकर मतलब वो डिसीजन सुनकर ही जो भी करना है वो करेंगे। अब न्याय व्यवस्था पे इन लोगों ने अपना भरोसा रखा है, वैसा ही भरोसा शासन भी रखे ये अपेक्षा है। मैडम, समाचार पत्रों में आ रहा है कि कल हो सकता है कि जिलाधिकारी कार्यालय पे एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो और हो सकता है कल बहुत बड़ा निर्णय लगे। अगर मान लीजिए अगर ये फैसला निर्णय अगर आपके विरुद्ध आता है तो आपकी भूमिका क्या है, आपका पक्ष क्या रहेगा? ऑलरेडी ऐसा एक नोटिस वो हमें दे चुके हैं कि 8 तारीख को ये घर तोड़ेंगे, फिर भी उन्होंने इतना संयम दिखाया है कि जब एक मैटर हाईकोर्ट में प्रलंबित है तब वो कोई भी ऐसी स्टेप नहीं लेंगे जिससे हाईकोर्ट का किसी तरह ये पिटिशन इनफ्रक्चुअस हो जाए। हमारी जो भी मांग है हाईकोर्ट समझ लीजिए हमारे विरोध में जाता है तो ये करने के लिए बिल्कुल ये कर सकते हैं, लेकिन बिना वो सुने अगर ये कुछ करते हैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के खिलाफ होगा और उनके खुद के पालक मंत्री के स्टेटमेंट के खिलाफ होगा। अभी दो दिन पहले ये बात सामने आई थी कि 130 लोगों को 300 स्क्वायर फीट जगह देने वाली जो बात सामने आई थी, इसमें यहाँ पर कि कितने लोग सहमत हैं और उसूलन क्या होना चाहिए? कितने लोग मन से सहमत है ये तो कोई भी नहीं होगा, आप सोच सकते हैं यहाँ वो इतने सालों से रहते हैं, ये हार्ट ऑफ द सिटी का कोई एक जगह है और ऐसे लेबर कॉलोनीज जो महाराष्ट्र में बाकी जगह थे उन सबको मालकी हक दिया गया, तो इन लोगों ने वैसे रीजनेबल इंसान की तरह सोचा जाए तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनको पास प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको एक फियर साइकोसिस के वजह से अगर कोई तैयार हुआ तो होगा। लेकिन इसमें लीगल एस्पेक्ट क्या है? लीगल एस्पेक्ट ये है, ये दिखाता है कि ये कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है। इधर आप बोलने को आए कि ये बिल्डिंग्स डैमेज हुई है इसलिए हमें तोड़ना है, फिर आप मालकी हक देखकर दूसरी जगह क्यों इनको जगह दे रहे हैं? आपको सही में इनको इविक्ट करना है, इनको निकालना है, आपके इविक्शन के सारे तरीके चले नहीं इसलिए आपने ये नया तरीका ढूंढ के निकाला है कि ये बिल्डिंग्स पुरानी है, इन बिल्डिंग्स को तोड़ दिया जाए। मैडम, एक सोशल मीडिया पे एक अफवाह चल रही है कि कुछ जमीन माफिया जैसे लोग राजनीतिक से मिलकर उनका जमीन के अंदर इंटरेस्ट है, क्या आपको लगता है कि ये सही बात है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसके बारे में क्या प्रूफ है मेरे पास? कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने हमारे पिटिशन में भी बोला है इसके पीछे ऐसे कोई लैंड माफिया है जो चाहते हैं कि इस लैंड पे कुछ और बनाए, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स लगाए, ये सब उनके जहन में बातें हैं, इसलिए इन लोगों को बेघर करके इस ज़मीन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 तारीख को सुबह 10:15 से 10:30 के बीच में ये पिटिशन रजिस्टर हो जाएगा, 10:30 बजे कोर्ट बैठते हैं तब मैटर मेंशन होगा और हम कोर्ट को अर्जी करेंगे
एक प्रेयर करेंगे कि आप तुरंत इस मैटर को हियरिंग पे ले, क्योंकि इतने लोगों के घर का सवाल है। नहीं मैडम, इतना टाइम क्यों लग रहा है? वेकेशन में हमने वेकेशन जज, बिल्कुल सही बात है, 8 तारीख को हमारा पिटीशन रेडी था, कोर्ट में हम गए थे, वेकेशन बेंच को एक अर्जी की थी कि आप ये अर्जेंटली लीजिए, वेकेशन बेंच ने कहा कि हम नहीं ले सकते। तब हमने चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा, चीफ जस्टिस ने फिर से हमें बोला कि आप दोबारा से इस जज के पास जाइए और वो शायद आपकी बात मान ले। हम फिर से उस जज के पास गए 9 तारीख को, फिर से जज ने बोला कि अब सिचुएशन जो भी है आप 15 के बाद देखिए, 15 तारीख को रेगुलर कोर्ट खुल रहे हैं उसके बाद देखिए। तब तक हमें भी आश्वासन मिल चुका था पालक मंत्री से कि कोई ऐसी घटना बिना कोर्ट के ऑर्डर के नहीं होने वाली है, तो हम ये अपेक्षित थे कि 15 तारीख तक जब तक हम मेंशन ना करें और कोर्ट कोई ऑर्डर ना दे तब तक कोई गलत कार्रवाई कॉरपोरेशन या पीडब्ल्यूडी नहीं करने वाली है। मैडम, जैसा आपने चर्चा करते हुए बताया कि जमीन नवाब साहब की, हैदराबाद के नवाब से एक जिक्र आता है, मैं स्पष्ट रूप से आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ठोस डॉक्यूमेंट्स के नवाब साहब की ही जमीन है, सरकार से इसका कोई लेने देना नहीं, आपके पास पुरावे या ठोस? बहुत बहुत ही ज़्यादा ठोस एक डॉक्यूमेंट है। 2004 में एक सिविल सूट में 2004 में एक निर्णय आया था, सीनियर डिवीजन औरंगाबाद का ये डिसीजन था सिविल कोर्ट का, और उसमें ऐसे कहा गया था कि ये ज़मीन नवाबों की है। उसमें पार्टी थे, स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्टर ऑफिस, फिर भी वो नहीं दिखा पाए कि ये ज़मीन उनकी है। इस निर्णय में ऐसा भी आगे कहा गया था, ये परमानेंट इंजंक्शन मांग रहे थे, और इस निर्णय में ऐसा भी कहा गया था आगे कि इसके बाद कभी भी शासन इस ज़मीन का नेचर चेंज ना करे या इस ज़मीन में कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना करे, ऐसा परमानेंट इंजंक्शन नवाबों की तरफ से दिया गया था। और मेरी जानकारी में है कि ये नवाब फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हैं, तब भी एक एविक्शन नोटिस थी 2000 की जो चैलेंज की गई थी, अब भी ये डिमोलिशन नोटिस वो वहाँ चैलेंज कर रहे हैं। मतलब कल जो है महानगर पालिका की टीम आई थी सर्वे करने, जिसमें कमिश्नर साहब थे, तो क्या कहा? मेरे जहन में ये नहीं है, तब मैं यहाँ नहीं थी, मैं नहीं बता पाऊँगी। मैंने खुद भी बाइक लगाया हो मैडम, यहाँ की कुछ जनता को लेकर के कल शाम में आपके पास उन्होंने बताया वो बात कि यहाँ पर आए थे, उसका मेरे पास प्रूफ भी दिए थे, उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ था भेजिए, वो मैं उसको एडिट करके कम्प्लीटली न्यूज बनाकर डाला हूँ। देखिए ये ऐसी चीज़ है, ये सिचुएशन ऐसा है कि कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसमें थोड़ा वक्त देगा, इसको कंसिडर करेगा, ये बिल्कुल सही बात है। इससे कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता कि वो इमीडिएट कोई एक्शन लेने वाले हैं या कोई गलत एक्शन लेने वाले हैं। हमारी अपेक्षा है कि वो रुकेंगे कोर्ट के निर्णय के लिए। थैंक यू।